नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर ललितपुर जिले के महरौनी मड़ौरा रोड के सैदपुर गांव से आ रही है, जहां दो कारों की भिड़ंत हुई है। आपस में क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूर्यकांत त्रिपाठी इस समय फोनलाइन पर है। आइए उन्हीं से पूछते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। बताए सूर्यकांत जी, क्या है आखिर पूरा मामला, किस तरह दोनों वाहन भिड़े हैं ये? मनोज जी, जानकारी देना चाहेंगे कि महरौनी मड़ौरा रोड पर ग्राम सैदपुर के समीप का तिराहा नामक स्थान है। बता रहे हैं कि एक महिंद्रा मराजो गाड़ी, जो कि मड़ौरा क्षेत्र में एक शादी समारोह में भाग लेकर महरौनी की तरफ आ रही थी, और उसके जस्ट पीछे एक स्कॉर्पियो वाहन भी चला आ रहा था। इन दोनों वाहनों के बीच की जो दूरी थी वो बहुत कम थी। बता रहे हैं कि जैसे ही यह महिंद्रा मराजो गाड़ी करौंदा तराहा पर पहुंची और करौंदा की ओर ड्राइवर ने मोड़ने का प्रयास किया, हालांकि इंडिकेटर का इशारा भी दिया कि गाड़ी इस दिशा में मोड़नी है, गाड़ी की गति भी धीमी की गई, लेकिन पीछे से आ रही स्कॉर्पियो ने महिंद्रा मराजो कार को जोरदार टक्कर मार दी। तो ये महिंद्रा मराजो को पीछे से स्कॉर्पियो कार ने टक्कर मारी है। टक्कर इतनी भीषण थी कि जहां महिंद्रा मराजो गाड़ी का पीछे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, वहीं इस टक्कर में जो स्कॉर्पियो वाहन था वो आगे से उसके बिल्कुल परखच्चे उड़ गए हैं, और इस दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो वाहन पलट भी गया, जिससे उसमें सवार 5 लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल यहाँ CHC महरौनी उपचार हेतु लाया गया, जिनमें से 3 की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल ललितपुर रेफर किया गया, जबकि 2 का उपचार यही महरौनी CHC में चल रहा है। यहाँ पर हम जानकारी देना चाहेंगे कि जो महिंद्रा मराजो गाड़ी है वह नगर पंचायत महरौनी के पार्षद महपाल अहरवार की बताई जा रही है, और जो दूसरी स्कॉर्पियो गाड़ी है वो भी महरौनी के ही पुराना सोजना रोड की है, जो लखन कोटेदार के भतीजे पुष्पेंद्र अहरवार की बताई जा रही है। और ये जो दुर्घटना हुई है, इसमें कहीं ना कहीं शराब पीकर वाहन चलाना भी एक बड़ी वजह उभर कर सामने आ रही है। जो स्कॉर्पियो का चालक था वह शराब पीकर वाहन चला रहा था, इस वजह से उसने महिंद्रा मराजो को पीछे से आकर जोरदार टक्कर मार दी, और ये टक्कर के बाद फिर दोनों गाड़ियों में जो सवार थे इन लोगों के बीच में कहासुनी भी हुई और मारपीट की भी नौबत आ गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करा के इस मामले को शांत किया। यहाँ पर उल्लेखनीय बात यह भी है कि दोनों वाहन मड़ौरा क्षेत्र में एक ही शादी समारोह से भाग लेकर लौट रहे थे, उसी दौरान सैदपुर के करौंदा तराहा के समीप ये दुर्घटना हुई है। महरौनी पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है, और दोनों वाहन इस समय कोतवाली परिसर में रखवा दिए गए हैं। अभी तक फिलहाल महिंद्रा मराजो के जो मालिक हैं उनकी ओर से कोतवाली पुलिस को तहरीर दी जा रही है, लेकिन जानकारी मिल रही है दूसरे वाहन के मालिक की ओर से भी तहरीर दी जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल 3 घायलों का इस समय जिला अस्पताल ललितपुर में उपचार चल रहा है। मनोज जी, ये थे हमारे संवाददाता महरौनी से सूर्यकांत त्रिपाठी, जो आपको घटना की पूरी जानकारी दे रहे थे। ललितपुर लाइव टीवी आपसे फिर से अपील करता है कि शराब पीकर वाहन ना चलाएं, जिससे ऐसी दुर्घटनाएं सामने आए। ललितपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा भी लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इससे सबक नहीं ले रहे हैं, इनके प्रति पुलिस को सख्त रवैया दिखाना होगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।